अक्सर ये देखा जाता है कि गणित में बच्चे दशमलव से बहुत डरते हैं। डरते शायद इसलिए हैं कि उसका अभ्यास नहीं करते। यदि दशमलव का भी प्रॉपर अभ्यास किया जाए तो इतना भी मुश्किल नहीं है। आइए आज एक एक्टिविटी के जरिए देखें कि कैसे हम दशमलवों का अभ्यास सरलता के साथ कर सकते हैं। जैसा कि आप यह एक एक्टिविटी देख रहे हैं, इसमें मेरे पास ये दसवें यानी कि दशमलव के बाद जो अगला स्थान है के लिए मैंने एक छोटा सा ग्रिड बनाया है, और ऐसे ही यह सौवें का एक ग्रिड है। इसमें 10 बराबर खाने हैं और इसमें इस प्रकार से 100 बराबर खाने हैं। और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम दशमलव का अभ्यास इस एक्टिविटी के माध्यम से कर सकते हैं। मेरे पास कुछ बीड्स हैं। यदि मैं इनमें से 1, 2, 3 बीड्स को यहाँ 10वें खाने में रखता हूँ और इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बीड्स यहाँ 100वें खाने में रखता हूँ, तो जो दशमलव संख्या बनेगी वह बनेगी, क्योंकि दशमलव है तो दशमलव का स्थान, दशमलव का बिंदु हमने लगा दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 10वें स्थान पर 3 बीड्स थे, तो 10वें स्थान पर आ गया 3, और 100वें स्थान पर 8 बीड्स थे तो 100वें स्थान पर आ गया 8। दशमलव से पहले यदि कुछ नहीं है तो 0। इस प्रकार से हमारी जो संख्या बन गई वह बन गई 0.38। इसी प्रकार से हम बीड्स की मदद से यह एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों को। और भी कई तरीके से बीड्स रखकर 10वें स्थान की और 100वें स्थान की प्रैक्टिस करवा कर उनसे संख्याएं बनवा सकते हैं। बच्चे जब इन बीड्स की मदद से दशमलव के बारे में सीखेंगे तो उन्हें दशमलव करने में मज़ा आएगा।